हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं आ गया हूं दोस्तों व्यापार विहार में, बिलासपुर व्यापार विहार में। और आज हम आए हैं स्टार ऑटो डील में। यहां आपको सेकेंड हैंड गाड़ियों से रिलेटेड विशाल रेंज देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी जैसा भी यहाँ अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊँगा, एक एक डिटेल में बताऊँगा हर चीज़। तो चलिए लेट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करेंगे वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो मिनट यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात करूँगा और यहाँ जो सर आए हुए हैं अभी फाइनेंस वाले सर, क्योंकि फाइनेंस की सुविधा यहाँ अवेलेबल है और जनरली लोग फाइनेंस को ही प्रीफर करते हैं, है ना। तो मैं फाइनेंस की डिटेल के साथ आज ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो दिल थाम के बैठिए, जल्दी से चलते हैं अंदर और सर से मिलते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अंदर और मिलते हैं यहाँ के ऑनर सर से और बाकी जो भी डिटेल है वो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो हेलो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। और दर्शकों को अपना इंट्रो दे दीजिए सर। मैं कलीम अंसारी, स्टार ऑटो डील का ऑनर जी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के गाड़ियों खरीदी बिक्री किया जाता है जी, और आपके बजट में सभी प्रकार की गाड़ियों उपलब्ध है जी। और फाइनेंस संबंधी कोई भी मतलब गाड़ियों का फाइनेंस वनेंस सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, इंश्योरेंस सुविधा और आरटीओ संबंधी सभी कार्य किए जाते हैं यहाँ पे। हमारे साथ हैं फाइनेंसर सर भी हैं, तो हाँ उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ये फाइनेंस इन्हीं के थ्रू होता है। एसके फाइनेंस से हैं सर, ब्रांच मैनेजर सर आशीष सर। मैं बता देता हूँ, मैं आशीष चतुर्मुख, एसके फाइनेंस से हमें जी। और हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं हैं, नए पुरानी गाड़ियाँ पूरी होती हैं और कम से कम मार्जिन और फाइनेंस ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कस्टमर को कम पेपर में हम फाइनेंस ज़्यादा कर देते हैं जी। और जो भी है कस्टमर कभी निराश हो के नहीं जाता। हाँ बिल्कुल सर। और एक्चुअल में होता क्या है, अभी किसी के पास इतना कैश रहता नहीं कि कैश में गाड़ी, बिल्कुल बराबर सही है, मतलब फाइनेंस ही कराते हैं नॉर्मली। और सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं उसमें भी फाइनेंस हो रहा है, तो गजब की बात हो जाती है बिल्कुल जी। और हमारे यहाँ परसेंटेज भी अदर के मुकाबले बहुत कम है जी, कम ब्याज दर में हम ज़्यादा कर रहे हैं जी। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप कोई भी गाड़ी अगर फाइनेंस में लेना चाहते हैं तो सर का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं सर को और पर्सनल पूछ सकते हैं जो भी डाउट रहता है ना सर। बिल्कुल जी। थैंक यू सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, बिल्कुल थैंक यू आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली गाड़ी दोस्तों ये है डटसन की तरफ से, डटसन गो। एक बार आप इसका फ्रंट लुक देख लीजिए, बाकी मैं इंटीरियर आपको दिखाते चलूँगा। फ्रंट में आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट लुक देखने को मिल रहा है। फ्रंट में ग्रिल में क्रोम की फिनिशिंग दी गई है और ये सीजी 15 की गाड़ी है। और ये जो इसका नंबर प्लेट है बॉस लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आप बॉस बन सकते हैं। और इसका फ्रंट लुक आप देख पा रहे हैं। और इसका जो प्राइस है दोस्तों 2,25,000 रुपये रखा गया है। और जिनके यहाँ मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ वो जो सर हैं यहाँ के ऑनर हैं, उनका ब्लड डोनेशन फाउंडेशन भी चलता है। किसी को भी अगर ब्लड वगैरह चाहिए, लेना है देना है, जो भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो आप बिल्कुल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेना नहीं है। तो ठीक है, चलिए एक बार इंटीरियर पे नज़र डालेंगे किस टाइप से गाड़ी आपको देखने को मिलती है, देख लेंगे दोस्तों। और काफ़ी अच्छा आपको इसका बॉडी कलर देखने को मिल रहा है। भैया ने अनलॉक कर दिया गाड़ी और इंटीरियर दिखा देंगे एक बार, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए किस टाइप से इसका इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिया गया है और 2,25,000 रुपये के हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों। काफ़ी वेल मेंटेन गाड़ी है ये, और 2,00,000 रुपये में आपको गाड़ी मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं जो प्राइस बता रहा हूँ वो फिक्स है, थोड़े बहुत डिस्काउंट आपको बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ भैया से मिलिए और जो भी दिक्कत रहता है उसको कम बेसी प्राइस वगैरह कराना है तो वो सब चीज़ हो जाएगा। तो एक बार बैक सीट देख लेते हैं किस टाइप से आपको स्पेस देखने को मिलता है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसका इंटीरियर बैक प्रोफाइल देखने को मिल रहा है। और बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों 2,00,000 रुपए में आप किस टाइप से गाड़ी लेना प्रीफर करेंगे। इतना अच्छा इंटीरियर के साथ मैंने अभी तक कोई भी मतलब रिव्यू नहीं किया है जिस टाइप से अभी आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। और बहुत सारी स्टॉक है यहाँ, तो चलिए लेट ना करते हुए चलेंगे सीधा दूसरी गाड़ी की ओर। सेकेंड जो गाड़ी है दोस्तों, मारुति नेक्सा की अच्छी खासी गाड़ी आपको देखने को मिलती है। 2017 मॉडल इग्निस आपको देखने को मिल रही है, सेकेंड टॉप मॉडल ये गाड़ी देखने को मिलती है। एक बार की आप पास से देख लीजिए, इस टाइप से आपको रिमोट कंट्रोल की देखने को मिलते हैं। चलिए फ्रंट लुक एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ इसका लोगो वगैरह देखने को मिलता है। फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाते हैं क्रोम की फिनिशिंग के साथ। यहाँ आपको अच्छी तरीके से फॉग लैंप देखने को मिल रहा है क्रोम की फिनिशिंग। और चलिए एक बार इंटीरियर पर नजर डालेंगे दोस्तों, क्योंकि इग्निस नेक्सा की गाड़ी है और नेक्सा थोड़ा प्रीमियम गाड़ी बनाती है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका इंटीरियर किस टाइप से आपको देखने को मिलता है, ताकि समझ में आ जाएगा। डोर ओपन कर लेता हूँ मैं, गाड़ी अनलॉक कर दिए भैया।
हमारे जो अंसारी भैया हैं वो देख लीजिए एक बार। इंटीरियर काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, ORVM इसमें आपको एडजस्टेबल मिलते हैं इलेक्ट्रिकली, और काफ़ी अच्छा इंटीरियर देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं सीट वगैरह काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन किया गया है, और पॉलिश वगैरह सब चीज़ वेल मेंटेन जो हमारे भैया हैं वो करा के देंगे आपको। और कुछ भी दिक्कत फाइनेंस वगैरह किसी भी प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कीजिए। भैया का कॉन्टैक्ट डिटेल मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, और किसी भी सपोर्ट के लिए भैया ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। एक बार मैं बैक प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ ताकि आइडिया लग जाए। तो देखिए इसका बैक प्रोफाइल काफ़ी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन ये गाड़ी आपको मिलती है दोस्तों। और इग्निस नेक्सा की गाड़ी है, मारुति सुजुकी नेक्सा, और नेक्सा प्रीमियम गाड़ियाँ बनाती है, और वेल मेंटेन ये गाड़ी 4.5 लाख रुपये इसका प्राइस रखा गया है। 2017 मॉडल ये सेकेंड ऑफ वेरियंट इग्निस, देख सकते हैं इस तरीके से इसका पावर विंडो का कंट्रोल वगैरह डोर में आपको देखने को मिल जाता है, और वेल मेंटेन गाड़ी। एक बार बैक लुक दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसका जो बूट स्पेस वगैरह है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कि कितना इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन आपको गाड़ी मिल रही है। 2017 मॉडल ये इग्निस आप देख पा रहे हैं, तो देख लीजिए दोस्तों। और चलेंगे अगली गाड़ी की ओर, क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा डिटेल डीपली नहीं बता सकता। तो चलिए अगली जो गाड़ी है दोस्तों ह्युंडई की तरफ से आपको देखने को मिलती है, ह्युंडई एक्सेंट, और ये जो गाड़ी है 2015 मॉडल है, और इसका जो प्राइस है दोस्तों 4 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया है। ये लोकल बिलासपुर की गाड़ी है, काफ़ी अच्छा आपको क्रोम की फिनिशिंग के साथ इसका फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाता है, और फॉग लैम्प का इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बाकी इसमें लगा नहीं है। ऐसी सीरीज के रूप में आप उसको बिल्कुल लगवा सकते हैं। फ्रंट लुक एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका इंटीरियर आपको दिखा दूंगा किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। वो ड्राइवर साइड सीट मैं ओपन करता हूँ और देखेंगे दोस्तों कि इंटीरियर आपको किस टाइप से देखने को मिल जाती है। वेल मेंटेन गाड़ी मिल रही है आपको, तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट कीजिए और जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए। और एक बार मैं डोर ओपन करता हूँ और देखेंगे इंटीरियर, काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन ये गाड़ी मिल रही है 2015 मॉडल ये एक्सेंट, और देखिए आप इंटीरियर डुअल टोन आपको इंटीरियर देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आपको मिलता है दोस्तों। वहाँ आपको डिस्प्ले टच डिस्प्ले दिया गया है, और देख लीजिए आप खुद जज कर लीजिए, बाकी डिटेल मैं एकदम ज़्यादा कचर कचर नहीं बोलूँगा उसी चीज़ को। बैक प्रोफाइल मैं एक बार और ओपन करके दिखा दूँगा बाकी ड्राइवर साइड से किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल्स वगैरह सभी चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए लेट ना करते हुए बैक प्रोफाइल पर नज़र डालते हैं। तो एक बार मैं डोर ओपन कर लेता हूँ पीछे का भी, और ये फाइनली मैं डोर ओपन कर लिया हूँ। देखिए इस टाइप से आपको इसका इंटीरियर देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन ये गाड़ी दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। देख सकते हैं हेडरेस्ट वगैरह सभी मैनुअल एडजस्टेबल मिलते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल रहा है, ये देख पा रहे हैं आप आर्मरेस्ट दिया गया है, और मैं एक बार बैठ के भी बता देता हूँ आपको। काफ़ी अच्छा आपको वेल मेंटेन ये गाड़ी मिल रही है, देख सकते हैं कितना कितना रिलैक्स फील हो रहा है। शूटिंग करते करते मैं थक जा रहा हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ गाड़ियों पर ऐसी बैठ बैठ के। चलो भाई चलते हैं आगे, और थोड़ा सा मैं इसका बैक लुक दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप थोड़ा सा इसका बैक लुक, काफ़ी अच्छा आपको इसका बैक लुक, और देख सकते हैं यहाँ आपको कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिए गए हैं। इस टाइप से इसका बैक प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और चलिए लेट ना करते हुए चलते हैं अगली गाड़ी की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अब नज़र डालते हैं 2013 मॉडल स्विफ्ट पे, और इसका जो प्राइस है 3,25,000 रुपये रखा गया है। तो देख सकते हैं आप इसका फ्रंट लुक, फॉग लैम्प के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है, और ये भी सीजी की गाड़ी है। चलिए एक बार इंटीरियर पे नज़र डालेंगे ज़्यादा लेट ना करते हुए, मैं एक बार ड्राइवर साइड डोर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और देख सकते हैं इसका जो ORVM है अफोर्डेबल आपको दिया गया है, काफ़ी अच्छा इस तरीके से आपका ये गाड़ी मिल जाता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल रहे हैं डोर्स पे नज़र डालेंगे तो, और इंटीरियर काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन गाड़ी है ये दोस्तों, देख सकते हैं वेल मेंटेन। एक बार मैं ड्राइवर साइड सीट पे बैठ के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आपको इसमें स्पेस देखने को मिलता है, और बहुत खुशी मिलती है बार बार बैठने में जैसे ही मौका मिलता है तुरंत बैठ जाता हूँ। देख सकते हैं इस टाइप से इसका इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है, और स्टीयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन, इसमें आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है दोस्तों। वैसे ये ज़्यादा बड़ा रिव्यू नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी पे वीडियो बना रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। और इस 4 स्पीकर के साथ ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पावर विंडो वगैरह के सभी के कंट्रोल दिए गए हैं। एक बार मैं आपको इसका बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको देखने को मिलता है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इंटीरियर किस टाइप से वेल मेंटेन ये रखा गया है। ब्लैक कलर का इंटीरियर है, और बीच बीच में थोड़ा सा क्रीम की फिनिशिंग दी गई है,
तो मैं दिखा देता हूँ आपको इसका इंटीरियर, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन इंटीरियर आपको मिल रहा है और यहाँ आपको काफ़ी अच्छा फिनिशिंग देखने को मिल रहा है। नीचे भी फिनिशिंग कराई गई है ऑटो डील वाले भैया लोग की तरफ से। तो इस टाइप से इसका प्राइस वगैरह सब चीज़ मैं बता दिया दोस्तों। 2013 मॉडल ये स्विफ्ट आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे जो गाड़ी होने वाली है टाटा की होने वाली है। तो चलिए बहुत सस्ती गाड़ी टाटा की, टाटा नैनो। इसका जो प्राइस रखा गया है 1,25,000 रुपये इसका प्राइस रखा गया है। 2016 मॉडल ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है और जिनको 1 से 1.5 लाख रुपए में गाड़ी चाहिए तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट नंबर उठाइए, तुरंत फ़ोन कीजिए, तुरंत बुक कीजिए। इंटीरियर वगैरह काफ़ी वेल मेंटेन इसका रखा गया है तरीके से आप देख सकते हैं। और फाइनली भाई ने अनलॉक कर दिया है तो एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको। चलो दिखाई देता हूँ भाई, मैं शूट कर रहा था तो देखे उधर से दूर से और उन्होंने अनलॉक कर दिया। देख लीजिए 1,25,000 रुपये में आपको टाटा की नैनो और 1 लाख रुपये की तो आजकल मुश्किल से बाइक मिलती है। तो उस कंडीशन पे आपको 4-व्हीलर मिल रहा है। आपका क्या राय है इस गाड़ी के बारे में बताइएगा ज़रूर। और जिनको 1 लाख रुपये में कार लेनी है तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन पे नज़र डालिए और कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। रिमोट कंट्रोल सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलता है 1 लाख रुपये में। सही बता रहा हूँ दोस्तों, आपको 125cc की गाड़ी मिलती है अभी 1 लाख रुपये में और आप यहाँ से 4-व्हीलर लेकर जाएंगे, वो भी टाटा की, टाटा नैनो। बैक प्रोफाइल मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि गाड़ियाँ सट सट कर लगी हुई है और खोलते नहीं बनेगा डोर को। बोरो प्लस नहीं रहे। अगली जो गाड़ी है दोस्तों बुलेरो, महिंद्रा की बुलेरो जो कि जानदार गाड़ी है। 2012 मॉडल आप बुलेरो देख पा रहे हैं और इसका जो प्राइस रखा गया है 4.5 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया है। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट कीजिएगा। और इंटीरियर मैं फिर से इसका नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बोर्ड वगैरह लगा हुआ है और जैसे ही मैं डोर वगैरह ओपन करूँगा तो थोड़ा टच हो जाएगा। अगली जो गाड़ी है फोर्ड की, क्या बोलते हैं उसको, इंडीवर। अगली जो गाड़ी है दोस्तों फोर्ड की इंडीवर, ये टक्कर देती है फॉर्चुनर को। तो ये ओल्ड मॉडल है हालांकि, बाकी भाई फोर्ड फोर्ड होता है। इंटीरियर मैं आपको इसका एक बार दिखा दूंगा किस टाइप से आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। की आप देख सकते हैं इस टाइप से इसका की, सिंपल की आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से इसका इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। तो अनलॉक कर लेते हैं भाई मैनुअली। कैसा खुलेगा यार? तो इंटीरियर आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको। और इसके प्राइस के बारे में बता दूं दोस्तों, तो इसका जो प्राइस है 4.5 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया है। तो देख सकते हैं भाई 4.5 लाख रुपए में आपको इतना बड़ा गाड़ी मिल रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा बैठ के बता देता हूँ क्योंकि बहुत ही स्पेस यहाँ कम है, मतलब बाहर में। पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह सब डोर में देखने को मिल जाते हैं। और इंटीरियर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये गाड़ी है दोस्तों। और देख लीजिए 2006 मॉडल ये गाड़ी है, तो उस हिसाब से बहुत ही ओल्ड मॉडल है। बाकी आपको यहाँ जो मैं बहुत सारा और गाड़ी दिखाया हूँ उसमें से कोई सेलेक्ट करना चाहिए। ये भी गाड़ी ठीक ठाक है, वेल मेंटेन रखी गई है। बाकी 2006 मॉडल है तो आप समझ सकते हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। एक बार इसका बैक प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसका बैक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। 4.5 लाख रुपए में आपको इतना बड़ा गाड़ी मिल रहा है, तो उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से ये रिव्यू कंप्लीट होता है दोस्तों। और कुछ भी डिटेल के लिए आप बिल्कुल यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और कलेक्शन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, जल्दी से मैं एक और रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।